जय श्री राम सारे भाइयों ने। तो आज दिन की शुरुआत हमारी 9 बजे जककर हुई। तो हमने शुरुआत में फ्रेश होकर कोलगेट की, यहाँ पर शिवाजी था तो हम आगे चौक की साइड में, तो अपनी जगह पे हम आकर ऐसे देखने लगे सूरज की तरफ। सूरज नहीं उग रहा था और आज था मंगलवार और आज थे हम व्रत, तो हम तुरंत नहाने चले गए। नहाकर आकर मैं और भूपेंद्र पीने लग गए हुक्का। हमने एक साथ फिर 2 हुक्का पिए। हम ऐसी बातचीत करते रहे और हुक्का पीते रहे। हुक्का को पीते पीते हमने बनाया प्लान खेतों पर जाने का, फिर भूपेंद्र ने कैंसिल कर दिया प्लान। तो हम हुक्का में मस्त थे, लग रहे थे हुक्का में। तो हमने 2 हुक्का पिए, उसके बाद में हम आ गए हमारे घर पर। तो हम यहाँ पर मोड़ी निकाल कर बैठ गए सड़क पर, तो थोड़ी थोड़ी धूप खिल रही थी, तो हम धूप को देखने लग गए। हम धूप में ऐसे ही 2-3 घंटे बैठे रहिए, तो हमने 2-3 घंटे धूप सेकी। उसके बाद हमको आ गई नींद, फिर हम सोने चले गए। फिर सोकर आए थे तो यहाँ पर था सोनू, हमको रास्ते में मिल गया, तो हम सोनू के साथ में आ गए गोपी के घर। यहाँ पर आकर हमने पिया हुक्का, हम दोनों आपस में ऐसी मस्ती कर रहे थे, तो यहाँ पर हुक्का पीने लग गए। फिर उसके बाद में सोनू चला गया बाइक लेकर खेतों पर और हम हुक्का पीकर ख़त्म किया। फिर शाम को 2 घंटे बाद हम पहुँच गए मंदिर पर। मंदिर पर पहुँच कर हमने आरती की, आज मंगलवार का व्रत खोला हमने, तो आरती वारती करके हम वहाँ से घर की साइड में चल दिए। घर की साइड में आ रहे थे तो रास्ते में हमें सोनू के कमरे पर बहुत आदमी बैठे थे और ऐसे अगाने पर बैठकर ताप रहे थे, तो हम थोड़ी देर उनके पास में रुके। फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर पर आकर हमने खाना वाना खाया, रोटी खाई, तो रोटी खाने के बाद हमने बाबा के साथ में पिया हुक्का और आज का दिन हुआ हमारा फिनिश। जय श्री राम, जय बाबा की। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए Gagan05 सब्सक्राइब करो और Lawrence.05 इंस्टाग्राम फॉलो करो। जय श्री राम, जय बाबा की। Gagan05 ब्लॉग सब्सक्राइब करो। जिंदगी जन फिर भी गमन ब्रजभाषा दत्तेरी।